सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है कक्षा नौवीं के जो विषय गणित का पेपर है पूरा पूरा रियल पेपर है। सो इस वीडियो में जो है आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो इस वीडियो में आपको जो है वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए गाइस यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरे कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में जो है आपके जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, सो इस अगर आपने इनके सॉल्यूशन के जो है वीडियो नहीं देखा तो गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं इनके हम उत्तर जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को फुल क्वालिटी में कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको सही तरीके से देखना चाहिए। अगर धुंधला दिख रहा है तो कहीं जल्दी से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर खाली बॉक्स में जो है संख्या लिखना है। सो गाइस इनकी जो सॉल्यूशन है आपने अगर नहीं देखे तो गाइस हमने बता दिया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो है पहला पार्ट देख लीजिए। सो गाइस इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सभी का सॉल्यूशन बताया गया है, सो जल्दी से आप देख लेना। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 से यानी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर खाली बॉक्स में संख्या लिखें 545 × 5 कर देना आपको। सो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा, चलिए देख लीजिए यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा 545 का जो आप गुणा करेंगे तो गाइस इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा 1725 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है, 1725 आपको भर देना है, जो आपका इसमें डिब्बा दिया हुआ है। देख लीजिए डिब्बा है 545 × 5, सो गाइस इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1725 आ जाएगा। सो गाइस इसमें आप पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 6वां है। फिर गाइस क्वेश्चन 7वां है, क्वेश्चन 7वां में आपको दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। सो गाइस देख लीजिए जो है आपको 805 का जो है 10 में भाग देना है। सो इसे आप देख लीजिए 810 का भाग आपको 805 में देना है, तो इसका भागफल जो भागफल आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भागफल आपका 8 हो जाएगा और शेषफल 5 हो जाएगा। सो इसमें आपको पहले डब्बे में 8 भर देना है, देख लीजिए इसमें आपको 8 भर देना है, इसमें 5 भर देना है। सो इसी आपकी जो है 7वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है आपका 8वां, देख लीजिए एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियाँ हैं, यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। सो इसका जो हल है देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है इसका अथवा का कर देना है, इसका बिल्कुल अथवा का सिंपल है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अथवा का देख लीजिए, संख्या 5156 जो 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 900 जो है आपका 9351 प्राप्त होता है, तो वह कौन सी संख्या। सो गाइस इसमें आपको देख लीजिए घटा देना है, देख लीजिए रहा इसका आंसर 8वां का अथवा 900 जो है आपको 9351 को जो है 5186 से घटा देना, तो इस आपका जो आंसर आ जाएगा 4165 आ जाएगा। सो आपको लिख देना आता हुआ संख्या 4165 है। सो इसी आपका 8वां का अथवा हो जाएगा, जो आपका 8वां का अथवा है ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका जो है 9वां देख लीजिए। 9वां में आपको क्या करना है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो इस चीज़ में जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है सो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे आप, तो आपको लिख देना है 1/4, इसका जो आंसर आ जाएगा 1/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो इसमें आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद है आपका 10वां, 10वां का देख लीजिए, 10वां का जो अथवा अथवा देख लेंगे, देख लीजिए 10वां का अथवा, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से जो है 137 की कॉपियाँ और 86 के पेन खरीदे। सो गाइस 137 की कॉपियाँ और 86 रुपए के पेन खरीदे, तो रोहन ने दुकानदार से कुल कितने रुपए जो है दिए। सो गाइस यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका अथवा देख लीजिए, आपको थोड़ी जो है हिंदी लिख देनी है, क्योंकि गाइस अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलते हैं, इसलिए देख लीजिए आंसर लिखना है आपको। दिया है कॉपियों का मूल्य जो है 137 रुपए है और तथा पेन का मूल्य जो है 86 रुपए है, और तो कुल मूल्य बराबर लिख देना है आपको 137 + 86, तो गाइस आपका आंसर आ जाएगा 223। तो गाइस ये आपका जो है 10वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद गाइस आपका 11वां देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन। तो इस यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो देख लेते हो वीडियो, और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए जल्दी से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपको आदिवासी परीक्षा में भी हेल्प करने वाले हैं। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखना है। तो
तो इसे जो आपको ये भिन्न दी हुई है इसका समतुल्य भिन्न जो यहाँ पर खाली है यहाँ पर आपको लिखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो इसमें आपको लिख देना है 8/80 और 2/10, यहाँ पर आपको 10 लिख देना है, तो इस ये आपका समतुल्य भिन्न हो जाएगा। इसके बाद बारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में 1/6 भाग को छायांकित कीजिए। यहाँ पर जो ये आपको आकृति दी हुई है इसको आपको छायांकित करना है, तो देख लीजिए इस तरह कर देना है, एक भाग को जो है छायांकित कर देना एक डिब्बे को, तो इसमें आपका जो है 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, देख लीजिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक पेन की कीमत जो है 54 रुपये है, तो एक पेन की कीमत जो 9 पेनों की कीमत आपको 54 रुपये दी गई हो, तो आपको एक पेन की कीमत बताना है, तो इसमें आपको भाग कर देना, देख लीजिए इस तरह, देख लीजिए यहाँ पर दिया है 9 पेनों की कीमत हो जाएगी आपकी 54 रुपये और तो एक पेन की कीमत है, सो इस यहाँ पर आपको बराबर लिख के जो है 54/9 कर देना, सो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एक पेन की कीमत जो आ जाएगी आपकी 6 रुपये, सो इस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 6 रुपये राइट आंसर। इसमें आपका 13वां हो जाता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां क्वेश्चन दिया है, दिए गए बॉक्स में बड़ा है छोटा है या बराबर है निशान लगाना है, कौन बड़ा है गाइस, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपको इस साइड जो है बड़ा चिन्ह लगा देना है, सो इसी आपका देख लीजिए ये आपका 14वां क्वेश्चन हो जाता है। सो जल्दी से आप फटाफट देखते चलिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बताने वाले हैं, जल्दी से यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 15वां है, 15वां देख लीजिए 1/3 और 2/3 इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, और इसका अथवा देख लेते हैं, अथवा सिंपल है, यहाँ पर देख लीजिए 1/√3 के हर का परिमेयकरण करना है, तो देख लीजिए परिमेयकरण आप देख लीजिए इस तरह कर देना, आपको 1/√3 यहाँ पर लिख देना, आपको फिर लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे आप, तो इसे आपको लिख देना 1/√3 गुणे 1/√3, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो वही इसका जो दोनों में गुणा हो जाता है हर का, तो वही इसका जो गुणा हो जाएगा सो वही इसमें आ जाएगा 3/√3, सो इसी आपका जो है आंसर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको जल्दी से ये अथवा का कर देना है। सो वही अब आपका देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन में नीचे दी गई आकृति में छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखना है, सो वही देख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर गई इसका देख लीजिए छायांकित भाग बराबर हो जाएगा 20/100, सो गाइस इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा आपका इसमें 0.2 आ जाएगा। इसके बाद अछायांकित भाग बराबर हो जाएगा जितने डिब्बे आपके जो है टोटल डिब्बे 100 हैं, सो इस यहाँ पर आपको नीचे लिख देने हैं, और जितने इसमें देख लीजिए पहले में आपको छायांकित भाग बताना था, इसमें छायांकित भाग आपके 20 हैं, सो इस 20/100 लिख देना और भाग कर देना, सो 0.2 आ जाएगा। इसके बाद अछायांकित भाग हैं आपके 80 और टोटल हैं सो 100, तो इसमें 80 जो है 100 का भाग 80 में देंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो इस तरह आप छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अब जो है 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है जो है गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका गुणनफल कर लेते हैं, ये आपको समीकरण दिया हुआ है x+5 × x+10, सो इसका समय जो है आपको गुणनफल करना है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए x+5 × x+10, सो इसमें आपको सर्व समीकरण लगा देना है x+a कोष्टक बंद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कोष्टक चालू x+b = a² + a+b हो जाएगा आपका सर्व समीकरण, सो इस आपको ये सर्व समीकरण के हिसाब से इसमें मान रख देना है, सो इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए आपका a और b का जो भी मान दिया हुआ है सभी का आपको रख देना है, इसके बाद जो आंसर आपका आ जाएगा देख लीजिए इसमें आपको इस तरह आपको हल कर देना, सो इसे आ जाएगा x² + 15x + 50, सो इसी आपका जो है गुणनफल आपका निकल के आ जाएगा, सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड वीडियो को लाइक नहीं है तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद 18वां है, 18वां का देख लीजिए, यहाँ पर आपको सीधा गुणा कर किए बिना 105 × 106 का मान ज्ञात करना है, और इसके बाद सरल कीजिए, चलिए यही कर लेते हैं, इसका अथवा सरल कीजिए, देख लीजिए 18वां का अथवा है 95 × 96, तो ये देख लीजिए 18वां में आपको 95 × 96 को सरल करना है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 91/20 आ जाएगा, इसको सरल करके आप लिख देंगे, सो इस यहाँ पर चलिए अब आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
देख लीजिए 19वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखना है। इसका चलिए सरलतम रूप देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 19वां का आपका पहला 10/14 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और 30/35 और इसके बाद 56/63। तो इसका देख लीजिए पहला का हो जाएगा 10/14 का हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसका जो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 2 × 7 = 14 होगा। इसी आपका सरलतम रूप पहला का हो जाएगा, इसके बाद दूसरा का हो जाएगा 30/35 दिया हुआ है, तो इसको आपको जो है 75 हो जाएगा और 5 × 7 = 35 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा में दिया हुआ है 56/63 का देख लीजिए, यहाँ पर ए आपका हो जाएगा 7/8 = 56 हो जाएगा और 7 × 9 = 63 हो जाएगा। सो इसी आपका सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद अब 20वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या करना है, सरल करना है और इसके अथवा यही कर लेते हैं, इसी को सरल कर लेते हैं। देख लीजिएगा इस यहाँ पर ए रहा आपका 20वां का आंसर। देख लीजिए यहाँ पर इसमें वही सर्व समीकरण आपको लगा देनी, x + y (x − y) = x² - y² इसके बाद ये आपका जो है आंसर जो आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसमें आपका 20वां का जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। सो इसी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देख लीजिए 21वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए ये 20वां जो है 21वां का पहला है यहाँ पर रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर इसका जो परिभाषा हो जाएगी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, याद कर लीजिए एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आपको परिभाषित करना है, सो गाइस इसका हो जाएगा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सो गाइस आपका द्विघात बहुपद का जो है पूरी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या करना है, सरल कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है सेकंड, चलिए इनको सरल कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है 2 × 2 / 3 और गुणे 2 / 1/3। सो इसको आपको सरल कर देना है, घात को जो है भिन्न कर देना है, यहाँ पर घात की जो भिन्न हो जाएगी इसमें हो जाएगा आपका 2 × 2 / 3/3 हो जाएगा। इसके बाद इसको काट देंगे तो इसमें 2 / 1 हो जाएगा। सो इसमें 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर गई दूसरे का, इसी तरह दूसरा आपको सरल कर लेना है, इन दोनों को जो है आपको भिन्न जो भिन्न अगर ऊपर जाएगा तो इसकी भिन्न जो माइनस में हो जाएगी, इसमें आपका 1/4 आ जाएगा, 11 की पावर 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए आपको सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्य अंक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर आपको रख देना x² - 2x और x = 2 रखने पर, सो इसमें 2 आप रखेंगे x = 2, तो इसमें जो है आपका देख लीजिए इस तरह आपको रख देना, फिर गाइस इसको हल कर देना, देख लीजिए जैसे हमने कर दिया आपको भी इसी तरह कर देना। सो गाइस इसका 0 आ जाएगा, 0 आने के बाद गाइस इसको जो है दोबारा आपको लिखना है, दोबारा लिखने के बाद जो है x = 0 रखने पर, सो गाइस इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि गाइस देख लीजिए यहाँ पर लिखा हो आपको क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद है। सो गाइस इसको आपको एक बार 2 का जो है x का मान 2 रख देना है और इसके बाद जो है x का मान 0 रख देना है, सो गाइस इसके शून्य अंक निकल आएंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह 0 रख देना, सो गाइस फिर आपको लिख देना लास्ट में अतः 2 और 0 बहुपद के शून्य अंक हैं। सो गाइस इस तरह जो आपका पूरा जो 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, देख लीजिए यहाँ पर 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप गाइस आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने जो है अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जल्दी से पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि जो है जो विकल्प टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। सो इससे जल्दी से आप जो है जितने हमने प्रश्नों के उत्तर बता दिए पूरे प्रश्न आपके बता दिए, देख लीजिए छठ माह से आपके टोटल 23 क्वेश्चन है, तो 23 के 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। आप जल्दी से इन्हें याद कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।